क्रिसमस पर केक काटने की परंपरा आज से नहीं बल्कि बहुत पुरानी है और इसकी तैयारियां 25 दिसंबर से बहुत पहले ही शुरू कर दी जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केक बनाने की शुरुआत भी एक महीने पहले से होने लगती है। नमस्कार, आप क्रिसमस से जुड़ी ये खास कवरेज सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार पर। आगे बढ़ने से पहले अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ। ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में क्रिसमस पर केक काटने की कोई प्रथा नहीं थी, फिर 16वीं सदी में क्रिसमस पर केक काटने का कॉन्सेप्ट आया और तब और सब्जियां मिलाकर एक डिश बनाई जाती थी जिसे प्लम पुडिंग कहा जाता था। फिर धीरे धीरे पुडिंग से निकलकर उसमें गेहूं के आटे का यूज किया जाने लगा जिसमें अंडा, मक्खन और उबले फलों का प्लम मिलाया जाता था। वहीं कुछ लोगों ने इसी डिश को तंदूर में रखकर इसे पकाया और इसी तरह धीरे धीरे इस पकवान ने केक का रूप लिया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्रिसमस पर बनने वाले केक एक महीने पहले से ही बनना शुरू हो जाता है क्योंकि इस मौके पर सबसे ज्यादा केक की डिमांड रहती है। खास बात ये है कि इस केक में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा अधिक हो जाती है और इसको फंगस से बचाए रखने के लिए किशमिश का इस्तेमाल भी किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग एक दो महीने पहले से किशमिश को धो लेते हैं और उसको सुखा लेते हैं। इस तरह फिर फ्रूट केक तैयार किया जाता है जो बहुत टेस्टी होता है। आइए अब बात करते हैं क्रिसमस और 25 दिसंबर की। ऐसा कहा जाता है कि यीशु की माँ मरियम को बताया गया था कि वो प्रभु के द्वार एक खास बच्चे को जन्म देंगी। तब मान्यता के अनुसार 25 मार्च को भविष्यवाणी सुनने के लिए 9 महीने बाद 25 दिसंबर को उनका जन्म हुआ। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि उनका जन्म 25 दिसंबर को ही हुआ था क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि आधुनिक क्रिसमस समारोह का आधार है उस समय मौजूद नहीं था। तो कब हुई थी क्रिसमस की शुरुआत? क्रिसमस शब्द क्राइस्ट मास से निकला है और पहली बार इसे रोमन सम्राट कैस्टेटाइन के शासनकाल के दौरान 336 में मनाया गया था, जिसके कुछ सालों बाद पोप जूलियस ने आधिकारिक तौर पर जीसस क्राइस्ट का जन्म 25 दिसंबर के दिन मनाने का ऐलान कर दिया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था तब सभी देवता उनके माता पिता को बधाई देने आए थे। इस अद्भुत घटना को याद करते हुए हर क्रिसमस के मौके पर सदाबहार के पेड़ को सजाया जाता है जिसे क्रिसमस ट्री भी कहा जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मनाया जाता है क्रिसमस। क्रिसमस से कई दिन पहले ही ईसाई समुदाय द्वारा कैरल्स गाए जाते हैं और प्रार्थनाएं की जाती है। गिरजाघरों में जीसस क्राइस्ट की जन्मगाथा झांकियों के रूप में दिखाई जाती है। 24-25 दिसंबर के बीच धार्मिक गीत गाए जाते हैं। फिर दूसरे दिन गिरजाघरों में मंगल कामना का प्रतीक क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। इस दिन मिठाई, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड, क्रिसमस ट्री अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को देने की परंपरा भी है। तो आप क्रिसमस पर क्या खास करने वाले हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत और ऐसी और भी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें रफ्तार के साथ।